नमस्कार, मैं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मराठा आंदोलन की आग मुंबई तक पहुंच चुकी है। मुंबई के आसपास के उपनगरों उल्लासनगर, कल्याण और आदि रायगढ़ आदि जगहों पर भी इसके असर देखने को मिल रहे हैं और आज कई बसों में तोड़फोड़ की गई है। उल्लासनगर कल्याण में क्या हाल है, किस तरह के हालात हैं, यह जानकारी लेते हैं वहां मौजूद खबरदार संवाददाता राजन बलसानी जी से। राजन जी, क्या किस तरह के हालात हैं, क्या वहां भी तोड़फोड़ किसी तरह की हुई है या किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं मराठा समाज के लोग? जी सर, ये उल्लासनगर और कल्याण में मराठा समाज की तरफ से जो आंदोलन किया गया है वो बेहतरीन, बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया है। उसी के चलते शिवाजी चौक में, यहाँ पे ये लोग ने शिवाजी चौक में आके पुष्पांजलि, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को, जो प्रतिमा को पुष्पांजलि चढ़ा के बाद में तहसीलदार तक जा गए। और वैसे ही उल्लासनगर में भी ऐसे ही शिवाजी चौक में ये लोग ने नारेबाजी की है, नारा लगाया है कि मराठा समाज को आरक्षण चाहिए, आरक्षण की कर चलते। और दुकानें सब भी शांतिपूर्वक बंद है उल्लासनगर में भी और कल्याण में भी। जी, तो किसी तरह की तोड़फोड़ कोई वारदात नहीं हुई है उल्लासनगर, कल्याण और उसके आसपास के इलाकों में? जी जी, उल्लासनगर में तो नहीं हुई, लेकिन कल्याण में कहीं तोड़फोड़ हुई है। अच्छा, और दुकानें बंद हैं क्या और पूरी तरह से उल्लासनगर कल्याण में? व्यापारी लोगों ने भी पूरी तरह से समर्थन देके जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद है। अच्छा, सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से देखी जा रही है, पुलिस व्यवस्था आपका कैसी नजर आ रही है आपको? जी, पुलिस की तरफ से तो सुरक्षा बहुत ही बेहतरीन है और सब जगह पे पुलिस का लगा हुआ है सुरक्षा। जी, और ट्रेनों और सड़कों पर जो है गाड़ियों की आवाजाही क्या बिल्कुल सामान्य है? जी हाँ, वो सामान्य है, जो भी ट्रेनों की है वो भी, जो भी लोग वगैरह जो जा रहे हैं वो एकदम सामान्य है। और ये मराठा समाज की तरफ से जो आरक्षण है वो बाइक रैली वगैरह निकाल रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं और कहीं जो दुकानें वगैरह खुली है उसको आवाज देकर बंद करा रहे। अच्छा, और जनता में जो व्यापारी वर्ग है या आम जनता है उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी, आम जनता जो है वो तो खुद उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहा है कि हम लोग भी उनको समर्थन देंगे और आज का दिन बंद हम खुद ही रखना चाहते हैं, तो व्यापारी ने खुद ही बंद रखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन बलसाने जी जानकारी देने के लिए। उल्लासनगर में मराठा आंदोलन जो है बिल्कुल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वहाँ किसी तरह की कोई भी तोड़फोड़ या हिंसक वारदात नहीं हुई है। कल्याण में जहाँ उन्होंने बताया हमारे संवाददाता राजन बलसाने जी ने कि कल्याण में कहीं कहीं तोड़फोड़ की घटनाएं घटी है, लेकिन ये छिटपुट है और बाकी यातायात जो है बिल्कुल सामान्य है। लोकल ट्रेनों का आना जाना और सड़कों पर किसी तरह की हिंसक वारदात होने की कोई खबर उल्लासनगर में नहीं मिली है, कल्याण में थोड़ी तोड़फोड़ की खबर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने की। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।